वंदे मातरम एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आपको कुछ यूनिवर्सिटीज यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि अधिकतर स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में जाना पसंद करते हैं, बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं। डिटेल में बात करेंगे कि फीस स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब एक रिव्यू टाइप का देने वाले आपको कि एनुअल फीस इनकी क्या रहती है, सेमेस्टर फीस क्या रहती है, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपका अगर कोई भी डाउट आता है जैसे कि रैंक कार्ड से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, टेलीग्राम पर जरूर ऐड हो जाना, क्योंकि आपकी सारी अभी काउंसलिंग की प्रोसेस चलने वाली है, रैंक कार्ड से रिलेटेड काउंसलिंग, आपकी प्रोसेस चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सारी डिटेल आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा, तो वहां पे जरूर ऐड हो जाना, ठीक है। बाकी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आता है तो, ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऑलरेडी पता है एग्रीकल्चर का IIT किसको कहा जाता है, IRI न्यू दिल्ली को, ठीक है। इसमें आपका PBCET से ये जो UG कोर्सेज स्टार्ट हुआ है, तो इसकी फीस की अगर मैं बात करूं आपसे तो देखो 7000 पर सेमेस्टर यहां पे आपका BSc एग्रीकल्चर का लग रहा है अभी फिलहाल में, ठीक है। और आपका न्यू एकदम पूरा नया कैंपस बना हुआ है यूजी कोर्सेज के लिए, ठीक है, तो आपकी 7000 पर सेमेस्टर इसमें फीस है। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं IRI की, तो इसमें भी आपका जो है 60 सीट अवेलेबल है। तो भैया इसलिए आपको 60 सीट बता रहा हूँ क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन बूचर्स तो भी फिलहाल में नहीं आया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है इनकी सीट आपकी इंक्रीज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपकी 60 यहाँ पे सीट से BSc एग्रीकल्चर की IRI आसाम हो गया, आपका IRI झारखंड हो गया, ठीक है। इनमें आपके अदर प्रोग्राम भी चलते हैं, जैसे IRI असम हो गया, IRI झारखंड हो गया, इनमें अदर आपके कोर्सेज भी चलते हैं UG के, ठीक है। तो 60 सीट इनमें अवेलेबल है, फीस इनकी सेम ही है मे बी, ठीक है। मेरे को IRI का भी थोड़ा सा पता लगा है कि इसकी 7000 पर सेमेस्टर लग रही, तो इसका बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। अपन नीचे और रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो यूनिवर्सिटीज आती है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना में है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी इंडिया में सबसे ज्यादा फीस आपकी हाईएस्ट फीस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में है, तो आपकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की है, और ये आपकी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज है। सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट नंबर पर इसकी रैंकिंग आती है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की। प्लेसमेंट रेशो भी इसका अच्छा खासा है, ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चर का। और यहाँ पे अगर बात करें हम आपसे फीस स्ट्रक्चर की, तो आप देख सकते हो अप्रोक्स में 60000 आपका एक सेमेस्टर का रहता है भाई, 60000, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे 1 ईयर्स की बात करें तो 1,19,350 रुपये आपका टोटल यहाँ पे एक साल का रहता है, ये एनुअल फीस है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, सेमेस्टर का बताया था, बाकी अभी जो डिटेल में आपको बताऊंगा एनुअल फीस ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पर सेमेस्टर क्या लग रहा है पंजाब एग्रीकल्चर में और एनुअल क्या लग रहा है। देखो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, चॉइस फिलिंग में अगर आपको लगता है मैं फाइनेंशियली वीक हूं, तो बिल्कुल उन यूनिवर्सिटीज को आपको चूज करना है जो आपको लगता है कि इनकी फीस थोड़ा सा कम है, ठीक है। बाकी आप देख लो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो आपको सोच समझ कर यूनिवर्सिटीज को रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है GBPUT, आप सभी को पता है उत्तराखंड की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज है, GBPUT पंतनगर में है। इसकी फीस आप देख सकते हो लगभग 50,000 के आसपास आपकी फीस जाती है पंतनगर की, ठीक है। और पेमेंट सीट की बात करें तो लगभग 50,000 के आसपास अगर आप पेमेंट पेड सीट पे एडमिशन लेते हो तो 50,000 आपको पे करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको एक चीज और पता होगी कि आप जब 10,000 रुपए एडमिशन के टाइम पर जो पे करते हो ना सीट लॉक के लिए, वो भी आपके फीस में ही ऐड होते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा सीट लॉक करते हैं, ठीक है। आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, और 10,000 रुपए आपका ये आपको जमा करना पड़ता है, जो कि आपके एक हिसाब से देखा जाए तो सीट आपकी जो है फीस ही जमा हो जाती है 10,000 रुपए, ठीक है, उसमें आपका ऐड हो जाता है जब कॉलेज में जाके आप एडमिशन लोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर 6 पर जो आपकी आती है CSK, जो आपकी ऑलरेडी आप सभी को पता है सरवण कुमार आपकी यूनिवर्सिटी है पालमपुर में। इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी 26,518 रुपए है, जो कि आपकी एक साल की है, ठीक है। हॉस्टल वगैरह भी सारे चार्जेस इसमें इंक्लूड है, बहुत बेस्ट कैंपस है भाई आपका, ठीक है। एग्री और ऑलरेडी आप सभी को पता है हॉर्टिकल्चर की टॉप क्लास की आपकी यूनिवर्सिटीज भी यहीं पे है, डॉक्टर YS परमार, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए इंडिया बेस्ट यूनिवर्सिटीज है डॉक्टर YS परमार। BSc एग्रीकल्चर की हिमाचल प्रदेश में आपकी है CSK HPK भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी OUAT, ये आपकी जो है उड़ीसा की नंबर 1 रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज है OUAT। इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका जो है देख सकते हो 74,915 रुपए आपको टोटल पे करना पड़ेगा, ये एनुअल फीस है इसकी, ठीक है, एक साल में आपको टोटल इतना पे करना रहता है। आपकी सेकंड सेमेस्टर से आपकी फीस जो है डिक्रीज भी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा फीस हाई रहती है ना। तो ये आपकी उड़ीसा की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है और आपका ICAR के थ्रू भी यहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी UP की एक और यूनिवर्सिटी आती है चंद्रशेखर जो है कानपुर में, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज आपकी कानपुर की है ना। नेक्स्ट अगर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको 57,650 रुपए एनुअल फीस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी आपके जो यूपी में एग्जाम होता है एग्रीकल्चर का उसके थ्रू जाते हैं और ICAR के थ्रू भी इसमें जो है स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है, ये गुजरात की आपकी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी।
इसके बाद नेक्स्ट आपका जूनागढ़ हो गया, नवसारी हो गया, उनकी रैंकिंग आती है। बट आपकी गुजरात की आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बहुत टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज है। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, 26,700 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, एनुअल फीस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी आंध्र प्रदेश की, भाई बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, आचार्य एनजी रंगा गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश की बहुत टॉप रैंकिंग की और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो थोड़ा सा हाई है, 56,244 रुपए इसकी एनुअल फीस रहती है, ठीक है। बट आप सेकंड सेमेस्टर के बाद इनकी घट जाती है फीस, बिल्कुल भी आप यहाँ पे परेशान मत होना, ठीक है, आप डिटेल में देख सकते हो। और चॉइस फिलिंग में आपको सारी चीजों को, सारे फैक्टर को देखकर ही एडमिशन लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपका साउथ में जाना पसंद नहीं करते, तो आपको उस टाइप से यूनिवर्सिटीज को फील करना है, फीस के बेसिस पर यूनिवर्सिटीज को फील करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको सब कैंपस भी अलॉट हो जाते हैं, तो वो चीज भी आपको यहाँ पे मायने में रखनी है कि सब कैंपस भी अलॉट होते हैं, तो सब कैंपस का भी खास तौर से ध्यान रखना है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के सब कैंपस ऐसे हैं जो आपके थोड़ा सा ब्रेज में, तो वो चीजें भी आपको थोड़ा सा मायने में रखकर चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको आपकी कोई भी यूनिवर्सिटीज मिल दी आप उसको ले लो, अपग्रेड वगैरह भी बिल्कुल करना है, ठीक है। सारे ऑप्शंस अपने पास है तो उनका भी अपने को उपयोग करना है। नंबर 11 पर आपकी जो यूनिवर्सिटीज आती है वो है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर राजस्थान में। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हो अप्रॉक्सिमेट 50,000 के आसपास आपका एनुअल फीस जाती है। नेक्स्ट बीटेक की बात करें तो 65,360 रुपए आपको टोटल एनुअल फी बीटेक, जो आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपकी ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज है, महाराणा प्रताप बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन आपका जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपको बताई थी ना चंद्रशेखर आजाद, वो बहुत अच्छी है आपकी यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे शेर ए कश्मीर, ये तो ऑलरेडी आप सभी को पता है, जम्मू एंड कश्मीर में आपकी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज आती है शेर ए कश्मीर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें बहुत आपकी रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी सारी रिक्रूटमेंट आपकी निकलती है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज आपकी शेर ए कश्मीर, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हो 50,400 रुपए आपको टोटल यहाँ पे करना पड़ेगा। बीटेक के लिए बहुत अच्छी है आपकी यूनिवर्सिटीज, और जो यूनिवर्सिटीज आपको बता रहा हूँ ना, ये आपकी अप्रोक्स 2000 रैंक से 2500 रैंक पर सारी यूनिवर्सिटीज अलॉट होती है भाई, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर रैंक आपकी हाई, रैंक बहुत हाई है तो यूनिवर्सिटीज आपको अलॉट नहीं होने वाली, फिर कैटेगरी से यहाँ पे अलॉट हो जाए वो बात अलग है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी जो आती है नंबर 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो की आपकी त्रिशूर में है, केरला में। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो 26,650 रुपए, केरला की बहुत टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज आपकी, ठीक है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है केरला की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इनके बहुत सारे सब कैंपस है, आप इनको एक बार देख लेना, बहुत सारे इनके सब कैंपस है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सेंट्रल, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज झांसी में है आपकी, इसका कैंपस बहुत बेस्ट है भाई, आप देखोगे ना इसका कैंपस विजिट करके एक बार जरूर देखना, बहुत नेक्स्ट लेवल कैंपस है भाई, ठीक है, झांसी का। और फीस स्ट्रक्चर आपका 14,800 रुपए एनुअल फीस है, सबसे कम फीस है सभी यूनिवर्सिटीज में, सबसे हाईएस्ट आपकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की है ना, तो देखकर फील करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि समस्तीपुर बिहार में है। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो 31,760 रुपए आपको यहाँ पे करना रहेगा, ये भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ पे आपके बीएफएससी प्रोग्राम भी चलते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को जैसे लास्ट में फील करते हैं, रैंक बहुत हाई होती है, अप्रोक्स 17,000 एसपी कैटेगरी के स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, तो आराम से ये आपकी प्रीवियस ईयर में अलॉट हुई है ना। नेक्स्ट बात करते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर बीएचयू, इसका तो आपको पता ही है बीएचयू क्या है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर तो सबसे कम है, फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो 17,136 रुपए आपको यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पे करना रहेगा, लेकिन सेकंड ईयर से भाई बहुत कम फीस हो जाती है आपकी, सेकंड सेमेस्टर के आपने ऑलरेडी देखा होगा 2,000 से 2,500 रुपए आपको यहाँ पे लगता है, सेकंड सेमेस्टर से बहुत कम हो जाती है, बट बहुत बेस्ट है भाई बीएचयू, इसकी तो बात अलग है। बीएचयू आप सभी को पता है स्टूडेंट का एक सपना होता है भाई इसमें पढ़ने का, एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, बहुत बेस्ट है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ये आपकी साउथ की बहुत टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज TANU, साउथ की सभी यूनिवर्सिटीज में नंबर वन रैंकिंग पर आती है भाई। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो 51,200 रुपए आपको पे करना पड़ेगा तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए, इसके बहुत सारे सब कैंपस भी अलॉट होते हैं, तो इसको एक बार देख लेना मेन कैंपस, अब आपकी रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होता है, कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं कि इसको सब कैंपस में भेजना है या मेन कैंपस में, तो वो चीज़ें आपको कॉलेज में जाकर ही पता लगती है, ठीक है। फीस आप देख लो 51,200 रुपये पे करना पड़ता है, ठीक है। बाकी आपको वो तो पता ही होगा कि आप अगर अदर स्टेट से हो तो, अगर जैसे आप तमिलनाडु से ही हो प्रॉपर, अगर तमिलनाडु में एडमिशन लेते हो तो आपको ICER के द्वारा स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। बाकी आप सभी को ये तो पता ही होगा कि अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट जाते हैं तो आपको ICER से स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, 3,000-3,500 रुपये मिलता है आपका मंथली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटका में है, इसकी फीस की बात करें ये बहुत अच्छा कैंपस है, मैं
मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे रखी हुई है ना, वो सारी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज है अपने अपने स्टेट में, बहुत लीडिंग यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। तो ये आपको मामूली रैंक पर अलॉट नहीं होने वाली, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड में ये अधिकतर स्टूडेंट जिनको मिल जाती है ना, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपग्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज है सारी भाई। नेक्स्ट आप देख सकते हो यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैंगलोर कर्नाटका में, इसकी फीस स्ट्रक्चर आपका जो यहाँ पे रहने वाला है 60,000 एनुअल रहने वाला है, ठीक है। ये भी बहुत बेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहता है कि आईसीआर के द्वारा जो यूनिवर्सिटीज मिलती है ना, उनमें ये मोस्ट यहाँ पे फैक्टर होता है कि अगर स्टूडेंट अपने स्टेट से बाहर अगर जाता है ना, तो वो बहुत कुछ सीख लेता है भाई। ये बहुत ज्यादा मायने रखने वाली बात है। जैसे अगर साउथ में आप जाते हो ना, तो आप 4 साल अगर डिग्री करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज बहुत सारी चीजों में चेंजेस आएगा, ठीक है। आप इंग्लिश भी सीख जाओगे, बोलना धीरे धीरे आ जाता है, ठीक है। हॉस्टल में रहोगे, 4 स्टूडेंट बनेंगे, वो तमिल में बात करेंगे, अपन तमिल में बात नहीं कर सकते, तो फिर इंग्लिश में धीरे धीरे वो सारी चीजें आ जाती है। ये बहुत अच्छा फैक्टर होता है कि अगर आप अदर स्टेट से, अपने स्टेट से अदर स्टेट में जा रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी जो यूनिवर्सिटीज है आने, नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटीज है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में है। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो 21,000 रुपए आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, यहाँ का टोटल एनुअल है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह बहुत टॉप रैंकिंग, टॉप 5 में आपकी यूनिवर्सिटीज आती है भाई, चौधरी चरण सिंह बीएससी एग्रीकल्चर की, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। प्लेसमेंट रेशो भी इसका ठीक ठाक है आपका, ठीक है। इनका प्लेसमेंट रेशो भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो डिटेल में। ये आपकी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज मैंने बताई है, बहुत सारी हैं आपकी जो फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट नहीं छोड़ते, अगर अलॉट हो गया तो फिर बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे अपग्रेड करते हैं, ठीक है। बाकी प्लेसमेंट रेशो इनका ठीक ठाक रहता है, जैसे आपका यहाँ पे बता दूं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनका भी प्लेसमेंट रेशो अच्छा है, ठीक है। तमिलनाडु का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है आपका, है ना। बीएचयू का भी ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पे अगर प्लेसमेंट की बात करो, सबसे अच्छा प्लेसमेंट आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी देती है ना, और ये आपका गुंटूर में है, ये भी प्लेसमेंट देती है। नेक्स्ट आपका आनंद एग्रीकल्चर, ये भी प्लेसमेंट देती है गुजरात में, ठीक है। प्राइवेट में भी स्टूडेंट जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे OUAT भी आपकी बहुत अच्छी है, उड़ीसा की टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, तो आप देख सकते हो डिटेल में, ठीक है। और सही, और मैंने बहुत सारी आपकी लोएस्ट कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज भी बताई, तो आपकी अगर रैंकिंग हाई आती है तो आपको उनको फिल करना है, और अगर मीडियम रैंक आती है तो आप सारी यूनिवर्सिटीज को कैटेगरी वाइज फिल कर सकते हो कि पहले एग्रीकल्चर, फिर हॉर्टिकल्चर, फिर फॉरेस्ट्री, फिर आपका जो है BFSC, आप इस टाइप से फिल कर सकते हो अपने सब्जेक्ट ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। बाकी आप देख लो भाई डिटेल में। ये तो आपकी यूनिवर्सिटीज मतलब आराम से आप ये मान के चलो, अगर आपकी 35-36 रैंक या टॉप 40 में अगर आप आते हो तो भाई ये यूनिवर्सिटीज आपकी मिलने वाली है आपको, ठीक है। टॉप 40 में आपकी ये जो हो गया यहाँ पे IR असम हो गया, ठीक है। आप सीटी देख सकते हो कितनी सीट्स अवेलेबल है, उससे आपको अपनी रैंक का अनुमान लग जाएगा। फिर कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे इनका डिवाइडेशन होता है, ठीक है। बाकी आपको जो भी डाउट आता है तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय भारत, वंदे मातरम।